की न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना काल में पर्वों की रौनक भले ही थोड़ी फीकी हुई हो, लेकिन आम जनमानस ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोते हुए त्योहार में रंगत बिखेरी है। आज रायबरेली में आस्था का पर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुहागी महिलाओं ने पूरी श्रद्धा से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिले वासियों को संदेश देते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव ने अपनी आईएएस पत्नी नेहा प्रकाश एनडी यूपी डिस्को के साथ घर में पूरे परिवार के साथ छठ पर्व मनाया। डीएम आवास में बने तालाब में डीएम ने अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में भी छठ पूजा की धूम रही। रेल कोच के आवासीय परिसर में बने तालाब सुहागिन महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य का पूजन किया और अर्घ्य दिया। छठ पूजा करने वाली आईएएस नेहा प्रकाश ने जनपदवासियों को त्यौहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही यह संदेश भी दिया कि यह त्यौहार प्रकृति को संजोने का त्यौहार है। हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखें, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किस लिए मनाया जाता है त्यौहार? त्यौहार क्यों मनाया जाता है? छठ सुखों का परिवार, सुखों का पर्व है, आस्था का पर्व है। लोग अपने दिल से सब बच्चे लोग के लिए करते हैं। हमारा परिवार बच्चे और परिवार के लिए सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। किस लिए मनाया जाता है त्यौहार? ये त्यौहार बच्चों के सुख समृद्धि और हमारा बच्चा अच्छे से मतलब वो आगे के लिए संपूर्ण हो, बच्चा इसके लिए बनाया जाता है। सूर्य का क्योंकि सूर्य की उपासना किया जाता है, सूर्य भगवान को आगे देखें अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। कोरोना की गाइडलाइंस भी मांग रही हैं आप? कोरोना की गाइडलाइंस इसलिए मांगा जा रहा है कि हमारा जो है परिवार और पूरा मतलब मैम, आज छठ पूजा है, किस तरह से मनाया आपने, क्या कैसे? इस बार हमने छठ पूजा अपने घर में ही किया, और क्योंकि अभी COVID-19 का टाइम है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हमने एक छोटे बस फैमिली हमारी यहाँ घर पे ही हमने अपना तालाब बनाकर उसी में पूजा किया। क्या संदेश देना चाहती हैं समाज में और जनपदवासियों को? मेरी तरफ से सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं, और क्योंकि ये पर्व नेचर से जुड़ा हुआ है और जितना हम नेचर के करीब जा सके तो यही संदेश है कि हम अपने नेचर की रक्षा करें, पानी के जो स्रोत है उसको कंजर्व करें और जितना हो सके प्रकृति के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को मोल्ड करें।